हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टेक्स। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मैं बता देती हूँ, जैसा कि मैंने इसके पिछले पेपर मैंने डिस्कस कराए थे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो सेम सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं एंड रिपीटेड क्वेश्चन मैंने जितने क्वेश्चन बताए थे ना, वो सारे इस पेपर में आए हुए हैं। सो बी रेडी, जिनका भी एग्जाम है नेक्स्ट, सो इस पेपर को कम्प्लीटली देख के जाएँ, सॉल्व करके जाएँ, और इसका PDF आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला, इसमें कुछ MCQs क्वेश्चन दिए, जिसमें लिखा है कि पुष्पालन के जन्मदाता कौन है। तो आपको पुष्पालन के जन्मदाता के बारे में बतानी है। नेक्स्ट आपको अच्छे से बताना है कि टैली में कौन सी रिपोर्टिंग मासिक रूप से तैयार की जाती है। ठीक है, टैली में कौन से मासिक रूप से तैयार की जाती है। आपको इन सारे क्वेश्चन का हमें सेशन में आंसर देना है। भूमिका उपयोगी जीवन काल कौन होता है, तो आपको बताना है। अधिकार शुल्क खाता क्या होता है, अधिकार शुल्क खाता कौन कौन सा खाता, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा गार्डनर बनाम मरे विवाद में दिवालिया साझेदार का नाम क्या था, बताना है आपको। ठीक है, तो मुर्रे के बारे में है, इसका आंसर होगा मर्रे। इसका मर्रे गार्डनर बनाम के विवाद में दिवालिया साझेदार का नाम था। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे एंड 1 क्वेश्चन आपको पूरे 5 मार्क्स कम्प्लीटली मिलने वाले हैं। ओके, तो आपको उसमें सारे क्वेश्चन कम्प्लीट करने हैं। नेक्स्ट में पहला दिया हुआ है, लेखों के प्रकार एवं लेखांकन के नियम लिखे। जैसा कि क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता रखा था, सो सेम क्वेश्चन आया हुआ है। एंड वराइटी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेखांकन हमारा तो सब्जेक्ट ही है, हमारा तो सब्जेक्ट टॉपिक ही लेखांकन अकाउंटेंसी, तो आपको उसके बारे में तो लिखना ही पढ़ना ही पड़ेगा लेखांकन के बारे में। तो लेखांकन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे आपको अच्छे से कंप्लीट करने, कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो टेलीग्राम पे शेयर करें, वहां से आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन मिल जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। ओके, सो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोकड़ बही क्या है, इसके विशेषताओं को बताइए। इन 3 खातों वाले रोकड़ बही का नमूना दीजिए। व्हाट इज कैश बुक, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गिव ए स्पेसिमेन ऑफ 3 कॉलम बुक कैश बुक के बारे में बताना है। रोकड़ बही क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार रोकड़ बही से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। सो एंड द लास्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, हराश क्या है, हराश के लगने वाले विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करिए। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में पुटअप करता है। ये आपका 2022, 23, 24 चाहे तीनों ईयर के प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, आपको हराश से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और हाँ, तीनों ईयर के पेपर हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड है एंड आपको उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप वहां से ज्वाइन हुई है। एंड आपको पूरी प्लेलिस्ट 2022, 23, 24 के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है एंड PDF भी आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम से। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं, सखा खातों के आशय उद्देश्य एवं प्रकारों का वर्णन करना है आपको, इसमें मीनिंग ऑब्जेक्टिव और ब्रांच खाते के बारे में कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड शाखा विभागीय लेखी के बारे, जैसे कि भी मैंने बताया था कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली आने ही वाला है, सो देन इसमें आया भी है। एंड पत्तेदार पुस्तकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रेषण खाते को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विनियोग से आशय, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, टैली के एंड वसूली खाता, तो इसे आप कंप्लीट करें। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है बट मैं इसे इंग्लिश में बता देती हूँ। रिवॉल्यूशन अकाउंट है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कन्वर्सेशन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी के बारे में देखना है। ठीक है, फर्म की कंपनी के परिवर्तन के बारे में, लेखांकन स्पष्टीकरण के बारे में, लेखांकन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन टॉपिक आप नोट करो एंड कंप्लीटली नोट्स रेडी करो। आते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करना है, टोटल में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपने उस तरीके से लिखा तो आपको फुल मार्क्स 40 नंबर पूरा मिलने वाला है लॉन्ग में। तो आप कैसे लिखोगे, पहले आप क्या करना है, जैसे लेखांकन का आशय लिखा है तो लेखांकन के आशय पूरा अच्छे से कंप्लीट करोगे, देन दूसरे शब्दों में लिखना लेखांकन का अर्थ। ठीक है, एंड लास्ट में निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भूलिएगा, निष्कर्ष कंक्लूजन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे उद्देश्य लिखेगा, फिर सीमाएं, फिर इसका महत्व, सब कंप्लीट करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी स्टाम्प मार्क करके कंप्लीट करें। ठीक है, एंड विभागीय लेते के बारे में बताया, गार्डनर बनाम मरे के दिए गए निर्णय के बारे में बताना है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आप चाहे तो स्कीप कर सकते हैं, विदाउट न्यूमेरिकल भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हो सकता है। बट हाँ, मेरा कहना यही है, आप एक बार न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, जिसमें मैंने रॉयल्टी अकाउंट एंड हायर परचेस अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको दोनों न्यूमेरिकल की वीडियोस प्रोवाइड है, आप जाके कंप्लीट करो। एंड एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट होगा तो कम्प्लीटली टेलीग्राम से आपको प्रोवाइड हो जाएगी वीडियो एंड उसके PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। सो एनी डाउट आप वहाँ से पूछ सकते हो। सो चैनल पे अगर नए आए हो के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा एंड लाइक एंड शेयर कमेंट एंड छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो।